अरे तो संगवारी हो, चलो देखता नहीं ये तरफ, और झुग्गी वगैरह है, छोटे छोटे बच्चा है और बच्चा मन मोर पीछे पीछे आते हो। आज पहली बार मोर हाथ बहुत ज़्यादा कांपत है ये वीडियो बनात बनात। मैं एक शिक्षिका हो रहा हूँ, मोर छोटे छोटे बच्चा आज मैं देखा था, जरूरी नहीं है मैं छत्तीसगढ़ के हरा हूँ कि तो मैं ये बच्चा मन मोरनो है एकर मन के हालत गवर्नमेंट ला यूपी घर न द्वार है, यूपी सरकार ला कम से कम ये बच्चा मन के शिक्षा पर काम करना चाहिए। आप मन देख सकते हैं, जय जोहर, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। मैं हूँ जागृति और मैं हूँ अभी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज इलाहाबाद क्षेत्र में। तो संगवारी हो, आज आप मन ला मैं यहाँ के मार्केट दिखाऊँ, गंगा नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे कौन कौन सा बाजार लगते वो दिखाऊँ, और आप मन ला आज अकबर के जिन महल जैसे वो भी दिखाऊँ। तो चलो मोर दीदी के अस्थि विसर्जन हो के मोर दीदी ला मुक्ति मिल गई सोई आप मन के सब छन के प्रार्थना से। तो चलो अब चलथन और देखथन। तो चलो अब नीचे चलथन और निकलथन, फिर से रूम के आज पैसा वगैरह देथन, और अभी 3-4 बजे थे। अभी हम पहुंच गए हैं मार्केट यहाँ के, और जो भी गंगा जी जाते हैं अस्थि विसर्जन करे पर ओमन ला बहुत सारा कुछ सामान लेके जाए पर पड़ते, पूजा पाठ के माला वगैरह बहुत ऐसे ऐसे चीज़ लेके जाते हैं जिन परिवार में बांटे जाते। तो चलो देखथन काका लेना है और दिखाता हूँ आप मन ला यहाँ के बाजार। ये मम्मी और जीजू खड़े है, ये मनोज भी खड़े है, और यहाँ पे देख सकते हो ये रुद्राक्ष की माला है और भी बहुत कुछ है। देखो भैया, हम ऐसे 20 रुपया हो। बाजार तो हम सब देखे हैं, लेकिन आप मन ला कुछ स्पेशल चीज़ दिखाए पर लेके जाता हूँ। और ये जो जगह है रे, यमुना नदी और गंगा नदी के संगम के है रे, सरस्वती नदी है, अदृश्य रीत है बोले जाते, लेकिन ओकर अलावा एक बहुत अच्छा जगह है जिन आप मन ला देख के बहुत अच्छा लगी। बाजार में तो वही चीज़ मिलते हैं, लेकिन यहाँ जो देखूँ कि हमर मन की ज़िंदगी कितना अच्छा है और यहाँ पर रहने वाले मन के ज़िंदगी कैसे है वो आप मन ला दिखाऊँ कि कैसे लोग बाग सरवाइव करते हैं यहाँ। तो चलो देखथन। तो ये देखो यहाँ बहुत सारा झुग्गी बने हुए है, और ये यहाँ के बच्चा मन है रे, और देखथन कि बच्चा मन से बात करके देखथन। कहाँ रहते हो बेटा तुम लोग? यहीं रहते हो यहाँ पूरे? ये छोटा छोटा घर है क्या? देख सकते हैं क्या? देख सकते हैं घर को? तो चलो मैं कैमरा ले बच्चा मतलब पकड़ाता हूँ और आप मतलब दिखाता हूँ। पकड़ो तो बेटा, ऐसे पकड़ो। हाँ मैं दिख रही हूँ कि नहीं बताना, देखो दिख। तो चलो संगवारी हो, देखथन हमन हा दिख दे, आ रही हूँ ना इसमें, इसको देखते रहो बेटा, ठीक है? इसमें मैं आ रही हूँ कि नहीं वो देखते रहना, ऐसे हट। हाँ पकड़ो, उसमें देखते रहना ना। तो चलो संगवारी हो, अब आप मतलब दिखाता हूँ, इतना छोटे छोटे घर में यही रहते हो? हाँ। यही रहते हो? तो चलो और एक बहन से मिलाते हैं, एक छोटे से घर। अरे वाह, यहाँ से घुसना? हाँ। तो आओ, आ जाओ। ये देखो ये अरे छोटे से घर, कितना जन कितने लोग रहते हैं यहाँ? 6-7 लोग सोते हैं। 6-7 लोग का खाना कहाँ बनाते हो? जाते हैं मंडी पे खाने। अच्छा है, मतलब खाना बाहर खाते हो? हाँ, मंडी बजरंगी वाली। तो थोड़ा घुमाओगे क्या यहाँ? चलो अभी चलते हैं। चलो तो अब बाहर निकल। हाँ तो
हो, ये लाइफ जिए के भी कुछ मजा होते है। चलो आप मतलब पूरा झुग्गी यहाँ के दिखाता तो ये मन रही थी यहीं बच्चा मन पूरा और खाना वगैरह बाहर खाते। चलो बच्चा मन से भी मिलाता हूँ। क्या बेटा तुम लोग आओ। चलो तो ये बच्चा से नाम पूछ, क्या नाम है बेटा, क्या नाम है बताओ बताओ बताओ। तो इसका नाम है सोनी और इस बच्ची का सुसुम। बताओ बताओ कुसुम। तो चलो एक फोटो लेते हैं, ठीक है। ये बच्ची ला मुरमाला बहुत अच्छा लगा थे, पहन के देखना है। तो चलो इला पहना के देखता। हमार छत्तीसगढ़ के माला बोला थे दूर से अच्छा लगा थे करके। ये देखो ये कैसा लगा। चलो तो ये अब मैं निकाल लेती हूँ क्योंकि ये मेरा फेवरेट है। और तो संगवारी हो आज के व्लॉग हिंदी और छत्तीसगढ़ी मिक्स रहने वाला है क्योंकि बहुत सारे लोग इस भाषा को नहीं समझेंगे, हमारे छत्तीसगढ़ भाषा को, बल्कि ये बच्चे लोग भी नहीं समझेंगे। तो आज का व्लॉग के लिए मैं क्षमा चाहूँगी और बनाते हैं हिंदी में। तो चलो संगवारी हो बहुत दुख हुआ मुझे ये जान के कि यहाँ के बच्चे लोग पढ़ने नहीं जाते और इनका पढ़ाई का भविष्य नहीं है। आ जाओ तो आ जाओ बेटा, आ जाओ तू ही आ जाओ। तो चलो यहाँ कुछ बच्चे खेल रहे हैं उसको भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और छोटे छोटे बच्चे हैं, आप लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा देख के। ये देखो तू तू दिखाओ। अरे वाह अरे वाह, छोटा छोटा कुत्ते का बच्चा ये देखो। तो चलो और इधर एक और बच्ची बहुत ही खूबसूरत, क्या खा रही हो, चिंगरी क्या खा रही हो। अरे वाह वाह, कहाँ से पकड़े मछली हाँ। और ये देखो पूरा झुग्गी वाला एरिया है और ये नाव में ये बच्चा मन खेलते। और ये छोटे से बाबू और यहाँ भी छोटे छोटे बच्चा। ये हाँ हाँ, वो छोटी सी बच्ची का, आ जाओ बेटा आ जाओ, लाओ लाओ। ओहो ले आओ, आ जाओ। अरे तो संगवारी हो चलो देखता नहीं ये तरफ और झुग्गी वगैरह है, छोटे छोटे बच्चा है और बच्चा मन मुर पीछे पीछे आते। तो चलो आपकी बेटी है क्या। तो सारे बच्चे लोग आ रहे हैं। दीदी यही रहते हो क्या, पूरे यहीं सोते हो। और खाना कहाँ खाते हो। मंदिर पर से भी आते हैं। और ये बच्चे लोग स्कूल नहीं जाते। अब ये है स्कूल से काम था, स्कूल यहाँ आते हैं। नहीं है ना है यहाँ माता, तो कोई भी बच्चे नहीं पढ़ते। ये किस घर की बच्ची है। घर अच्छा। तो चलो क्या नाम है इसका। चलो देखते हैं इधर घर को। और यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं। ये एक दीदी अपने घर से निकल रही है, यही रहते हो दीदी। तो ये बच्ची को दे दो यही। चलो पकड़ो बेटा, किसके यहाँ की है आओ। तो चलो अब आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखो इस टाइप का नज़ारा है। और संगवारी हो ऐसा टाइप की जिंदगी जिए भर पड़ते। क्या काम करते हो दीदी यहाँ तुम्हें। अच्छा तो यहाँ एमन भिक्षा मंग के अपन जिंदगी जीवन यापन करते। और देख सकते हो पूरा परिवार ये साथ एक साथ रहे थे। और यहाँ भी दीदी मन के घर भी है। और दीदी वीडियो बना था ना यही रहे था। तो ये देखो यहाँ बना थे खाना। और कितना जन रहते हो दीदी। भोजपुरी हो। अच्छा और क्या काम करते, क्या करते।
भिक्षा मांगते हैं तो खाना यही खाते हो कि मंदिर में जाके? अच्छा, और आप लोगों का गांव किधर है? मिर्जापुर तरफ कह रहे, और यहाँ रही थे तो चलो एक बार पूरा घूम के मैं दिखाता हूँ यहाँ के नज़ारा। ये छोटे छोटे परिवार यहाँ रही थे और खाना बना थे, और तीवर भी छोटे से बच्चा है, और ये देखो भैया प्रणाम कर थे। गरीब आदमी माता हाँ गरीब है, घर द्वार तो काम क्या करते, घर द्वार नहीं बा, घर द्वार नहीं है, अब माँ कहते भीख। अच्छा, और ये यहाँ पर बन रहा है चिंगरी, इसको क्या बोलते हो दीदी आप लोग? झिंगुआ। झिंगुआ। और इधर एक और दीदी है, कितने महीने की है बेटी आपकी? देख लीजिए लकड़ा के तो का चाहिए, खवावते पियावते का कही मांगते और यहीं रहते हो? हाँ यहीं रही। कितने लोग रहते हो? कुल रहते हैं हमारे भाई परिवार। और यहाँ कोई बच्चे लोग स्कूल वगैरह नहीं जाते? नहीं, कोई आते भी नहीं स्कूल के लिए बोलने? नहीं, कोई नहीं आते स्कूल में बच्चे लोग को पढ़ाने? नहीं आते। अच्छा, क्या आते तो भेजी लड़कन के, अगर स्कूल वाले आते तो भेजते पढ़ाते बच्चे लोगों को? पढ़ाई तब। ये कितने साल की है बेटी? 3 साल का मेरा बच्चा है। 3 साल की है, और ये इस साल भर देखा था कैसे डगराम दोपहर हमारा बच्चा। बीमारी हो आज पहली बार मोर हाथ बहुत ज्यादा कांपत है, ये वीडियो बनात बनात मैं एक शिक्षिका हो रहा हूँ, मोर छोटे छोटे बच्चा आज मैं देखा था, जरूरी नहीं है मैं छत्तीसगढ़ के हर हूँ की तो मैं ये बच्चा मन मोरनो है एकर मन के हालत गवर्नमेंट ला यूपी घर न द्वार है यूपी सरकार ला कम से कम ये बच्चा मन के शिक्षा पर काम करना चाहिए। आप मन देख सकत हो हर घर में, मैं जैन घर में आप मन ला जाके दिखाऊं हर वो एक घर में यहाँ छोटे छोटे बच्चा है, एक बच्चा यहाँ देख सकते हो एक माँ खाना बनाते है एक बच्चा यहाँ भी है। तो अगर ये वीडियो ला अगर वीडियो को यूपी सरकार देख रहा होगा तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप एक बार इन बच्चों का सोच के इनके विद्यालय का व्यवस्था करें और इनके बच्चों के भविष्य के लिए कुछ करे गवर्नमेंट, क्योंकि शिक्षा बहुत ज़्यादा जरूरी है। बच्चे यहाँ रह के छुट्टी में रह के एक साथ 5-5, 6-6 लोग रहते हैं तो उनकी ज़िंदगी का हम सोच भी नहीं सकते। मैं सोचत रही हूँ कि मोर दुखी बहुत बड़े है, आज शाम तक मैं बहुत रोय मोर मन अच्छा नहीं लगी, इसमें देखे हूँ अपन जीजू ला बोले कि मैं जाता हूँ बस मोला वहाँ पे जाना है और रहना है करके, लेकिन मोर हाथ कांपेल धरली जब इतना छोटे छोटे आधा से ज़्यादा बच्चा कुपोषित है। अब बात आते है कि आप का करे हो तो संगवारी हो हर चीज़ ला मैं कैमरा में नहीं दिखा सकूँ, और बहुत झन मन करते तो आप मन देखे तो ये नहीं करे वो नहीं करे करके कई चीज हर चीज बताए कि नहीं रहे गुप्तदान भी रही थे, और मोर आज 1,500, 2,000, 3,000 दे से ये बच्चा मन के भविष्य नहीं बनने वाला, हो सकते हो कर बाप दारू पी दी कुछ भी हो जाए, लेकिन बात ये मेरा थे शिक्षा के तो हमें ला कुछ करना चाहिए। आए तो रहे हो बाजार के वीडियो बनाए बर, लेकिन अब पूरा मूड मोर ऑफ हो चुके हैं संगवारी हो, ये विषय पे आप मन के का कराए है मोला कमेंट करके जरूर बताओ, और धन्य है हमर छत्तीसगढ़, मोला बहुत प्राउड है अपन छत्तीसगढ़ पर कि हमर छत्तीसगढ़ में कम से कम इतना ज़्यादा हालत ख़राब नहीं है, शिक्षा पे ध्यान दिए जाते सफाई पे ध्यान दिए जाते और यहाँ वो चीज़ के कमी लगे। क्षमा चाहूँ उत्तर प्रदेश सरकार से ये बोले पर, और धन्य है मोर भाग्य मेरी थो। जय भारत जय छत्तीसगढ़, मिल हूँ अपन से आगे दे चलो। तो ये देखो हमन चटाई ले ले हैं, ये चूड़ी ले ले हैं, और यहाँ पर पंखा वगैरह ले ले हैं, बहुत सारा चीज ये चालू कर दी इसमें देखते जाना मैं दिख रही हूँ कि नहीं। तो ये देखो लेके जाया बार ये चटाई ले ले हैं, ये यहाँ पर ये पंखा भी ले हैं, चूड़ी वगैरह है आप मन देख सकते हो पूरा यहाँ से जाए के बाद दिए यहाँ पर एक कमरा लगा है। वो आगे आगे गंगा माला चंदन हाँ लिखा देख सकते हो यहाँ पर चंदन की और गीता की पुस्तक वगैरह हाँ, और ये हरे हमार माला तुलसी के ये जो हम लेके जाते हैं
बहुत सारा चीज है, मन ले चुके हैं। जब मैं वीडियो बना बन दे रहे हो तो टाइम नहीं मिली मुझे लेके, तो फिलहाल तो ये सब सामान ले हैं। आशा करता हूँ संगवारी हो आज के व्लॉग आप मन ला अच्छा लगी सो ही तो मुला कमेंट करके जरूर बताऊँ। जय भारत माता, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।